मैं गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान और उखड़ा उखड़ा रहता था। एक तरफ बूढ़े माँ बाप और उनकी दवाई दारू का खर्चा और दूसरी तरफ बीवी बच्चे और उनका नानो नफका। न माँ बाप की खिदमत हो पाती, न बीवी बच्चों के अखराजात पूरे होते। फिर ऊपर से गैस, बिजली और पानी के बिल, मकान का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस। मैंने वजीर आजम साहब को कॉल की, कोई जवाब ना आया। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया, अकाउंट बैन हो गया। आखिर मैंने बच्चों समेत खुदकशी की ठान ली। हम जा ही रहे थे कि कुरान की तिलावत मेरे कानों में पड़ी, गुर्बत की वजह से बच्चों का कत्ल ना करो, अल्लाह उनको भी रिस्क देगा और तुम्हें भी। मैं आज भी वो वक्त याद करता हूँ तो फौरन सजदे में गिर पड़ता हूँ। बेगम जी, ज़ैनब के पापा। बेगम, ये आपने काम वाली फिर नहीं रख लिया? ओह नो। जी ज़ैनब के पापा। बेगम, आपको पता है ना, घर में रोज रोज नए नए लोगों का आना जाना ये अच्छा नहीं है। हाँ जी मामा जी। नहीं ज़ैनब के पापा, ये काम वाली ना बहुत अच्छे से सफाई करती है। जी साहब जी, मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ ना, कैसे करती हो सफाई? ऐसे करती है सफाई। पतड़ो बाबा जी, पतड़ो। जाओ जाओ।